आज की लोकेशन हमारी रहने वाली है मोहाली के अंदर सेक्टर 125 के अंदर। आज मैं आपको ले लेके आई हूँ बहुत ही प्यारे साइज में बना हुआ विला, 4 BHK विला आपका रहने वाला है। और अगर हम इसके साइज की बात करें गाइस, इसका साइज रहने वाला है 200 गज, फ्रंट रहने वाला है 30 फीट, और अगर हम लेंथ की बात करें 60 फीट इसकी लेंथ रहने वाली है। एक बार आप फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही कमाल का डिजाइन करा है। आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे प्रॉपर आपको टाइल्स देखने को मिल रही होगी डार्क कलर की, प्लस आपको मिल जाता है टफन का वर्क और स्टेनलेस स्टील की रेलिंग के साथ। आपको इस घर के अंदर पूरी सिक्योरिटी है गाइस, अगर आप देख रहे होगे 4 कैमरे आपके इस घर के अंदर मिलने वाले हैं, आप देख सकते हैं। और ये आ जाता है आपका बहुत ही प्यारा सा वाइड एरिया, जहाँ पे आप अपना जो है गार्डनिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी इजिली जो है एक बड़ी कार जो है पार्क हो जाएगी, सिडान हो या फिर आपकी XUV हो। और ऊपर की तरफ को देखेंगे आपको मिल जाता है डाउन सीलिंग के लिए वर्क। 4 BHK घर रहने वाला है, 4 बेडरूम है 2 किचन के साथ। और चलते हैं हम सीधा घर के अंदर। तो गाइज इसी के साथ ही आ जाता है आपका डोर, जहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट एंड डिजिटल लॉक प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंटर करते ही हमारा इस साइड को अगर देखिए तो यहाँ पे आ जाता है आपका बहुत ही स्पेशियस साइज में बना हुआ ड्रॉइंग एरिया। ड्रॉइंग एरिया में देख सकते हैं आप, काफी प्यारा वर्क हमने यहाँ पे बैक साइड में किया है, प्रॉपर टीक का वर्क है, लाइट्स आपको दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए प्रॉपर हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हाईलाइट करा है। और आपका ऊपर की तरफ को आ जाता है AC के लिए प्रोविजन। और इसी के साथ ही अगर हम इस साइड को देखें तो ड्रॉइंग और डाइनिंग एरिया को हमने सेपरेट कर रखा है, प्रॉपर आपको मिरर का वर्क यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर हम इस साइड से आते हैं तो यहाँ पे आ जाती है बहुत ही वाइड में आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो, राइट। एज इट इज आपको ये घर सेम एज इट इज इसी तरह से मिल रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। और डाउन सीलिंग की बात करें तो आपको मिल जाता है टीक का वर्क विद प्रोफाइल लाइट और कंसील लाइट के साथ। एंटर करते हैं हम अपने डाइनिंग स्पेस की तरफ, बहुत ही बड़े साइज में आपको मिल जाता है डाइनिंग एरिया। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेशियस है, इजीली आप यहाँ पे अपना 6-7 सीटर डाइनिंग विद चेयर आप इजीली प्लेस कर सकते हैं। और इसी के बिल्कुल फ्रंट में आ जाता है आपका LCD पैनल, जहाँ पे आपको मिल जाता है बहुत ही प्यारा वर्क। ये देख सकते हैं वुडन का वर्क हमने यहाँ प्रॉपर करवाया है, 42 इंच की आप LCD बड़े आराम से लगा सकते हैं। नीचे की साइड को आपको प्रॉपर यहाँ पे ड्रॉअर प्रोवाइड करवा रहे हैं, और इस साइड को आ जाता है आपका कटलरी सेट के लिए प्रोविजन। और डाउन सीलिंग की अगर हम बात करें, बहुत ही सिंपल और एलिगेंट डिजाइन के साथ हम इसको बना रहे हैं, जिसमें कि प्रोफाइल लाइट्स, शैंडेलियर्स, फैंस और ये वाली वॉल पे आपके वॉलपेपर रहने वाले हैं। और इसके बिल्कुल फ्रंट में आ जाता है आपका मंदिर का एरिया, आप मंदिर भी इसको बना सकते हैं। चलते हैं हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि हर लेडीज के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, किचन। यार बहुत ही प्यारा किचन बनाया है, आप देख सकते हैं यू शेप में आपका किचन रहने वाला है, जो काफी ज्यादा स्पेशियस है। इजीली यहाँ पे 2-3 पर्सन इजीली आराम से कुक कर सकते हैं। इस साइड से देखिए तो प्रॉपर आपको कैबिनेट्स देखने को मिल रहे होंगे, व्हाइट एंड ब्लैक कलर का कलर कॉम्बिनेशन का हमने यहाँ यूज करा है। स्लीक काउंटर टॉप आ जाता है आपका, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो आ जाती है। और जितने भी हम यहाँ पे सैनिटरी यूज कर रहे हैं, जैगवार ब्रांड की सैनिटरी का यूज कर रखा है। और इसी के साथ ही चिमनी भी आपको एड ऑन कर लेंगे बीच में। और ये आ जाता है आपका हॉब के लिए स्पेस। और नीचे की साइड को आपको सारे ही हाइड्रोलिक कवर्स रहने वाले हैं, और ऊपर की साइड को भी हाइड्रोलिक कवर्स है। ये आ जाती है आपकी वैनिटी, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा आप जितना भी सामान है वो आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। ये ओवन आ जाता है, OTG, ये सारी चीजें आपको इंक्लूड मिल रही है इस घर के अंदर। तो आइए चलते हैं हम अपने, ये हमारा आ जाता है स्टोर रूम, यहाँ पे आप स्टोर रूम भी बना सकते हैं, पूजा रूम अगर बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। ये आ जाती है आपकी वैनिटी का एरिया, जो बहुत ही अच्छे से डिजाइन कर रखा है। आप जैसे ही डाइनिंग टेबल से उठे और आराम से आप अपना हैंड वॉश वगैरह इजिली आप कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। ग्राउंड फ्लोर में हमारे 2 बेडरूम है, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। बेडरूम साइज की बात करें तो आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है, वहां पे आके आप चेक कर सकते हैं। ये आपकी बेड की बैक आ जाती है, जिसमें हमने वुडन का प्लस वॉलपेपर का बहुत ही अच्छे से यूज कर रखा है। और इस साइड को आए तो ये आ जाते हैं आपके जितने भी कवर्ड्स हमारे रहने वाले हैं, मैट लुक के साथ आपको मिल जाते हैं स्लाइडिंग कवर्ड्स।
और प्रॉपर आपको लॉकर के लिए भी यहाँ पे प्रोविजन दिया है। इसी के साथ ही आ जाता है आपका ड्रेसिंग एरिया, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे प्रॉपर हमने आपको जो है स्लैब प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहाँ से आप अपने एंटीक पीसेस रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। और बेड के बिल्कुल फ्रंट में आ जाता है आपका बहुत ही प्यारा LCD पैनल, डाउन सीलिंग, प्रोफाइल लाइट्स आपको एज इट इज मिलने वाली है, वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको मिल जाती है। और इसी के साथ आपका आ जाता है बहुत ही अच्छे साइज में बना हुआ वॉशरूम। और यार गाइस एक बार आप फ्लोर पे देखें तो आपको एंटी स्किड स्टाइल का यूज मिलने वाला है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो सेकंड बेडरूम हमारा बहुत ही बढ़िया, और साइज दोनों बेडरूम के बहुत ज्यादा स्पेशियस है। आप देख सकते हैं बेड की बैक आ जाती है वुडन का, आपको यहाँ प्रॉपर वर्क मिल रहा है, और मैट लुक के साथ आपको मिल जाते हैं कवर्स, और स्लाइडिंग कवर्स आपके रहने वाले हैं फुल हाइट तक। और यहाँ पे देखिए तो आपको मिल जाता है ड्रेसिंग एरिया के लिए प्रोविजन। बेड के बिल्कुल फ्रंट में आ जाता है आपका TV यूनिट जो काफी प्यारा है, और इसी बेडरूम के साथ आपको मिल जाती है विंडो, प्लस आपको मिल जाता है आउटडोर एरिया। यहाँ पे आप इजीली अपने क्लोथ्स वगैरह जो है वॉश कर सकते हैं। यार आप एक चीज और नोटिस करोगे कि आपको प्रॉपर यहाँ पे 6-6 फीट तक हमने प्रॉपर टाइल का वर्क प्रोवाइड करवा रहे हैं, और बाहर से देखें तो प्रॉपर हमने यहाँ पे इसको कवर कर रखा है। और इस घर के अंदर आपको मिल जाते हैं 4 कैमरा की फैसिलिटीज भी आपको यहाँ पे दे रहे हैं। इसी बेडरूम के साथ हमारा आ जाता है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम सेम एज इट इज इसी तरह से मिलने वाला है, फुल हाइट तक आपका टाइल का वर्क रहने वाला है। जितने भी हमने यहाँ पे सैनिटरी यूज करी है वो हमारी जैगवार ब्रांड की सैनिटरी रहने वाली है। चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो गाइज हमने एंटर कर दिया अपना बालकनी एरिया, हमारे फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है, बहुत ही प्यारी बालकनी आपको यहाँ पे मिल जाती है। आसपास में देखिए काफी रिहाइश है, और इस घर के बिल्कुल फ्रंट में आपको मिल जाती है 30 फिट रोड। और यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा हमने वर्क करा है डाउन सीलिंग में, और बहुत वाइड आपको मिल जाता है डोर एंट्रेंस पे, और यहाँ पे भी आपको वुडन का डोर प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये आ जाता है आपका बहुत ही ज्यादा स्पेशियस सा किचन एरिया, आप देख सकते हैं यू शेप में बना है। गाइस हमने काम में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है, आप देख सकते हैं प्रॉपर आपको कैबिनेट्स बना के दे रहे हैं। और इस साइड में आ जाती है आपकी वैनिटी का एरिया, प्लस यहाँ पे आप इजीली अपना जो है फ्रिज लोकेट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ को देखिए बहुत ही प्यारा सा टीक का वर्क हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये वाला एरिया आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया या ड्रॉइंग एरिया में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। डाउन सीलिंग मिल रही है आपको, शैंडेलियर मिल रहे हैं, फैन बीच में मिल रहे हैं, और ये देखिए यार बहुत ही प्यारा हमने LCD पैनल आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है सेम एज इट इज है, जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर में देखा था, और फुल हाइट तक आपको यहाँ कबर्ड्स मिल जाते हैं, ड्रेसिंग एरिया के लिए प्रोविजन आपको दिया हुआ है, और ऊपर की तरफ को सेम एज इट इज डाउन सीलिंग है। इसी बेडरूम के साथ आपको मिल जाता है अटैच वॉशरूम, और वॉशरूम में देखिए फुल हाइट तक टाइल का वर्क है, फैन भी आपको बीच में लगा हुआ मिल रहा है। और इसी के साथ ही यहाँ पे देखिए वेंटिलेशन प्रॉपर आपको देखने को मिल रही होगी। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। सेकेंड बेडरूम भी काफी ज्यादा स्पेशियस है, आप देख सकते हैं ये हमारा सेकेंड बेडरूम आ जाता है। बेड के बिल्कुल फ्रंट में हमने LCD पैनल प्रोवाइड करवा रहे हैं, और ये आ जाती है आपकी बहुत ही बड़े साइज में विंडो, जहाँ से आपको नेचुरल सनलाइट्स आपको मिलते रहे। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए आ जाता है आपके वॉकिंग कवर्स, और ये आ जाता है आपका ड्रेसिंग एरिया। और यहाँ से आप आते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। ये आपका वॉशरूम रहने वाला है जिसमें बहुत ही प्यारा टाइल का वर्क कर रखा है। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें यार बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे हमने यूज कर रखा है। अब चलते हैं हम अपने ओपन एरिया की तरफ। ओपन एरिया हमारा ये वाला रहने वाला है। प्रॉपर आप देखेंगे टाइल हमने चारों तरफ से यहाँ पे लगा रखी है कि कल को कोई आपको दिक्कत ना हो सीपेज वगैरह की। और ऊपर से आपका रहता है स्टेयर्स जो कि आपके रूफ पे रहेगा। तो ये गाइज हमारी वीडियो थी। 200 गज में बना हुआ 4 BHK विला है, जिसमें आपके 4 बेडरूम आ जाते हैं, 2 आपके 2 किचन आ जाते हैं, और बहुत ही अच्छे साइज है। और अगर आपने साइज वगैरह देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस रहने वाला है 1,85,00,000 इस घर का प्राइस है। सेक्टर 125 के अंदर ये विला रहने वाला है। अगर आप इस विला की ज्यादा जानकारी चाहते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और इसी तरह से हमें ढेर सारा प्यार आशीर्वाद बांटते रहिए,
ताकि हम आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे घर लेके आए आपके बजट के अंदर खरड़ मोहाली में। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।